Hello student, how are you? I hope you all are good and studying at home. Last video में हमने chapter 1 our body, तो इसमें हमने सीखा था अपने body के parts के बारे में learn किया था, like कौन कौन से पार्ट है याद है आपको? हाँ बताओ, हेड, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, आर्म्स एंड लेग्स। तो हर एक पार्ट्स के कुछ ना कुछ अलग अलग कार्य है, कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते हैं। तो हेड क्या करता है, हेड में क्या है? हेड में है ब्रेन। तो हम जो सोचते हैं, वी आर थिंक बाय ब्रेन। नेक, वी आर टर्न अवर नेक राइट लेफ्ट अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ अवर नेक। एंड चेस्ट, बाय चेस्ट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी बिकॉज चेस्ट में क्या है, चेस्ट में हमारा जो हार्ट है वो चेस्ट में है, फिर लंग्स है वो भी हमारे चेस्ट में है। तो हार्ट क्या करता है? द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। जो हार्ट है वो पंपिंग करके ब्लड को हमारी बॉडी में पहुंचाता है। फिर लंग्स हेल्प्स अस टू ब्रीथ, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। फिर एब्डोमेन, तो एब्डोमेन हम जो खाते हैं कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। तो वहां पे क्या है? टू इंस्टेंटाइन। वेरी गुड, कौन कौन से है वो टू इंस्टेंटाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट पार्ट इज आर्म। तो आर्म क्या करता है हमारा? हम जो लिखते हैं, वी आर राइटिंग, वी आर ईटिंग, वी आर क्लैपिंग, वी आर होल्डिंग विथ अवर हैंड्स। तो हम जो लिखते हैं, खाते हैं, उसमें हमें फिंगर्स भी हेल्प करता है ना। हाँ, तो फिंगर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर आर्म्स। लेग्स, नेक्स्ट पार्ट इज लेग्स। वी आर वॉक, वी कैन वॉक, वी कैन रन, वी कैन जम्प विद द हेल्प ऑफ अवर लेग्स। हम दौड़ते हैं, चलते हैं, जंप करते हैं बिकॉज ऑफ अवर लेग्स। तो सभी को ये याद होगा। आज हम सेंसरी ऑर्गन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? तो ये हम आज कंटिन्यू करेंगे अवर सेंसरी ऑर्गन्स। यहाँ पे है अवर सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प अस टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स इन अवर सराउंडिंग्स, हेंस दे आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो हमें इंफॉर्मेशन पाने में मदद करता है कुछ चीज़ों की जो हमारे सराउंडिंग्स में होती है। तो वो कैसे पता चलती है और सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स इज आईज। फर्स्ट इज आईज। तो We see the things around us with
हेल्प ऑफ आवर आईज। आईज क्या करती है? वी सी द थिंग्स। हम जो देख सकते हैं हमारे आसपास अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर आईज, हम अपनी आंखों की मदद से हमारे आसपास जो कुछ भी होता है वो किसकी मदद से देख सकते हैं? हमारी आंखों की मदद से। आईज गिव अस द सेंस ऑफ साइट। आईज गिव अस द सेंस ऑफ साइट। आंखें जो है वो हमें आजू बाजू देखने की सेंस प्रदान करता है। नेक्स्ट इज ईयर्स। यहाँ पे देखिए आपकी बुक में ईयर का पिक भी दिया गया है। यू कैन ऑल्सो टच योर ईयर्स। वेर इज योर ईयर्स? यू कैन टच योर ईयर्स। आपको सभी ने टच किया? आपके सबके कान कहाँ है? टच करके बताओ। हाँ, सभी के पास कान है ना। हाँ, वेरी गुड। वी लिसन टू एवरी साउंड एंड नॉइज विथ द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। वी लिसन टू एवरी साउंड एंड नॉइज विथ द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हम जो हर एक प्रकार के जो साउंड है, जो आवाज है, वो किसकी मदद से सुन सकते हैं? वेरी गुड। किसकी मदद से? अपने कानों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। ईयर्स गिव अस द सेंस टू हियर। हमें कान जो है वो सुनने की शक्ति प्रदान करता है। हम अपने कानों से सुन सकते हैं। नोज, यहाँ पे देखिए आपका नोज कहाँ है? टच कीजिए। टच योर नोज। वेरी गुड। नोज, वी कैन स्मेल विथ द हेल्प ऑफ आवर नोज। अगर आप अपने घर में खेल रहे हैं और आपकी मम्मी ने घर में मैगी बनाई है, तो आपको घर में खेलते खेलते स्मेल आती है ना कि मम्मी मैगी बनाई है। कैसे पता चला? स्मेल से। तो वी कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। हम अपने नोज के द्वारा सब सूंघ सकते हैं। सम स्मेल्स मेक अस फील प्लीजेंट। कुछ जो स्मेल्स है वो हमें खुशी प्रदान करता है। हमें कुछ स्मेल्स अच्छी लगती है। जैसे कौन सी स्मेल सबको पसंद है? फ्लावर्स की सबको पसंद है ना। सबको फ्लावर्स की स्मेल पसंद होगी। दे आर और फ्रेग्रेंस और अरोमा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेग्रेंस और अरोमा। फ्रेग्रेंस कहते हैं और अरोमा कहते हैं। एंड द स्मेल विच मेक्स अस फील सिक इज कॉल्ड फॉल स्मेल। जो स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती तो उसे हम फॉल स्मेल कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्टेंच। और क्या कहते हैं? स्टेंच। नोज गिव्स अस द सेंस ऑफ स्मेल। हमारा जो नोज है वो हमें सूंघने की शक्ति प्रदान करता है।
फ्रेग्रेंस और अरोमा, स्मेल ऑफ लाइक परफ्यूम, सैंड, ये सब, उन सब की हमें स्मेल पसंद है, उसकी स्मेल हमें अच्छी लगती है, उसे स्वीट स्मेल कहते हैं या प्लेजेंट स्मेल, जिससे हमें, जिस स्मेल से हमें खुशी मिलती है, अच्छी लगती है, उसे हम फ्रेग्रेंस और अरोमा कहते हैं। और जो स्मेल हमें गंदी लगती है, हमें बीमार जैसे कर देती है, उसे हम फॉल स्मेल और स्टेंच स्मेल कहते हैं। फॉल स्मेल को अनप्लीजेंट स्मेल भी कहते हैं और स्टेंच को भी हम अनप्लीजेंट स्मेल कह सकते हैं। नेक्स्ट, टंग। वी ऑल लाइक टू ईट टेस्टी एंड डिलीशियस फूड। हम सबको टेस्टी और डिलीशियस फूड बहुत पसंद है। सबको पसंद है ना? सबको, किसी को, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए होगा, डिलीशियस फूड चाहिए होगा। तो वो कैसे पता चलता है हमें अच्छा लगता है टेस्ट या बुरा लगता है, वो कैसे पता चलता है? टंग की वजह से। वी कैन टेस्ट विथ द हेल्प ऑफ अवर टंग। हम कैसे टेस्ट को पहचान पाते हैं? बिकॉज ऑफ अवर टंग। टंग गिव्स अस सेंस ऑफ टेस्ट। टंग जो है वो हमें टेस्ट टेस्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, स्किन। अवर बॉडी फ्रॉम द हेड टू द टो। हमारी बॉडी में हमारे सिर से लेकर हमारे टो, पैरों के जो अंगूठे हैं वहां तक, इज कवर्ड विद स्किन। वहां तक हम किससे कवर्ड है? हमारी चमड़ी से, स्किन से। वी कैन फील थिंग्स अराउंड अस ड्यू टू अवर स्किन। अभी हमें रेनी सीजन है, तो अगर ठंडी ठंडी हवा आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें टच होगी। कैसे पता चलेगा ठंडी ठंडी हवा? हमें हवा जो है स्किन से टच होगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि ठंड लग रही है ना? वेदर हॉट और कोल्ड, स्मूथ और रफ। जो हमें गर्म और ठंडा, हॉट और कोल्ड, स्मूथ और रफ, स्मूथ और रफ, कैन बी नोन बाय टचिंग देम। कैसे पता चलेगा? हम अगर कुछ टच करेंगे, गरम गरम पानी पकड़ लो आपको गरम लगेगा, फिर बर्फ पकड़ लो आपको ठंडा लगेगा, है ना? तो कैसे पता चलता है? टचिंग देम विथ अवर स्किन। हैंड्स, स्किन गिव्स अस सेंस ऑफ टच। तो हमें टच करने की शक्ति, मतलब हमें परखने, टच करके परखने की, ठंडा है, गर्म है, स्मूथ है या रफ है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा? हम कुछ चीजें टच करके पहचान पाएंगे। तो उसकी शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? हमारी स्किन से। नेक्स्ट पेज पे आपको, पेज नंबर 4 पे एक फैमिली का पिक्चर दिया गया है, तो चलो रीड करते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। दो वी ऑल हैव द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें, हमारे सभी के बॉडी के जो पार्ट्स है सभी के सेम है, किसी के अलग अलग नहीं है। अगर मेरे
ईयर है तो आपके ईयर नहीं है, या मेरा नोज नहीं है, आपके सबके पास नोज है लेकिन मेरे पास नोज नहीं है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वी लुक डिफरेंट, लेकिन ये सब बॉडी पार्ट होने, सभी के सेम होने के बावजूद हम सब अलग दिखते हैं, सब डिफरेंट दिखते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ आवर फेशियल ऑर्गन्स। क्योंकि हम सब डिफरेंट क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमारे जो शेप्स हैं, जो साइजेस हैं आवर फेशियल ऑर्गन्स, हमारे फेस की साइज और शेप्स है, वो सभी की डिफरेंस है। अदर एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स भी अलग है, शेप और उसकी साइज अलग है, इसी कारण हम सब डिफरेंट दिखते हैं। द कलर ऑफ आवर स्किन ऑल्सो डिफर्स, हमारे जो स्किन का कलर है सभी के अलग अलग है। सम हैव फेयर स्किन, किसी की स्किन फेयर है, वेरियस सम हैव डार्क स्किन, तो किसी की स्किन डार्क है, डार्क कलर की स्किन है किसी की। अवर हेड इज कवर्ड विथ हेयर, हमारा हेड है वो किससे कवर किया गया है, हेयर से, अपने बालों से। विच ऑल्सो डिफर्स इन इट्स कलर, तो हमारे जो हेयर है तो सभी के हेयर के कलर भी अलग अलग है ना। हाँ, द कलर्स ऑफ आवर आईज ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो हमारी जो आईसिस है तो सभी की आईसिस का कलर सेम नहीं होगा, किसी की ब्लैक होगी, किसी की आईज ब्राउन होगी, किसी की ग्रीन, या किसी की ग्रे, या किसी की ब्लू कलर की। तो इसी वजह से हमारे बॉडी के पार्ट्स सेम होने के बावजूद भी हम सेम नहीं दिखते, क्योंकि हमारी स्किन का कलर अलग होगा, हमारे फेस का साइज, साइज जो है वो, शेप्स जो है वो भी अलग होगा, हमारे हेयर का कलर भी अलग होगा, हमारे आईज का कलर भी अलग होगा, इसीलिए हम सब डिफरेंट दिखते हैं, सभी एक जैसे नहीं दे। यहाँ पे आपको सब दिख रहे हैं, ये आंटी, उनके हेयर कितने लंबे हैं, है ना। ये जो अंकल दिख रहे हैं आपको, ये हाइट में कम है, यहाँ पे उनके बाल भी नहीं है, हेयर भी नहीं है, है ना। तो ये सब सभी एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। ये भैया को देखिए कितना मोटा हो गया है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के फेस अलग अलग है, उनके शेप भी अलग है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक माँ जो है वो अपने बच्चे को प्रेयर करवा रही है, प्रे एंड थैंक गॉड एवरी डे, हमें गॉड को प्रे करना चाहिए और उन्हें थैंक यू भी करना चाहिए, क्यों, फॉर गिफ्टिंग अस विद दोज पार्ट ऑफ आवर ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमें जो गिफ्ट में क्या क्या मिला है, हमें जो अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स मिले हैं उसके लिए हमें प्रे करना चाहिए और थैंक यू भी बोलना चाहिए। विदाउट विच आवर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, हमारे बॉडी के पार्ट्स के, ये जो सभी पार्ट्स हैं इनके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। ऑलवेज सो सिंपथी विद दोज पीपल हु आर हैंडीकैप और who do not have sense of sight, हमें हमेशा sympathy दिखानी चाहिए, किसकी ओर, उस people की ओर जो handicap है, और किसी के पास अगर
देखने की शक्ति ना हो, किसी की आईसाइट खराब हो, तो उन्हें उनकी और हमें सिंपथी दिखानी चाहिए। और एनी सच इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, तो हमें किसी अगर किसी के पास आईसाइट नहीं है, कोई दम है, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और हमें भगवान से हमेशा प्रे करनी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान ने, गॉड ने हमें इतने इम्पोर्टेंट बॉडी के पार्ट्स दिए हैं। तो आप सब आज से रेगुलर गॉड को प्रे करोगे और उन्हें थैंक यू बोलोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।